हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये देखिए, आज मैं आपको पजल बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है, अगर आप इच्छा अनुसार सीखेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसे सीख पाएंगे। ये देखिए, जो लोग गांव में होंगे, जो बच्चे, उनको ये पजल थोड़ा मोड़ा सुने होंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराने पजल हैं जिनको लोग पूछ कर आपको फंसा देते हैं। उस वक्त आपकी क्या, जो दिमाग की बत्ती हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे दादाजी मुझसे पूछा करते थे जब मैं गाँव पर रहता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। ये पहेली जो है काफ़ी चर्चित पजल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें बकरी है इस पहेली में, और क्या है, घास है और शेर है, और एक क्या है, आदमी है। इसमें देखिए क्या है कि जो ये बकरी है, इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर लेके जाना है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं घास को लेके चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, शेर जो है बकरी को खा लेगा। इसमें ये चीज़ नहीं होना है। इसमें हमें एक चीज़ को यहाँ पर इस तरह से लेके जाना है कि एक दूसरा किसी को क्या खा ना पाए। मान लीजिए अगर आप क्या यहाँ पर शेर को, जो ये आदमी है, यही इन तीनों चीज़ों को इस प्रकार से यहाँ पर लेके जाएगा कि यहाँ पर कोई भी चीज़ एक दूसरे को क्या खाए ना। मान लीजिए अगर ये आदमी इस शेर को यहाँ पर लेके चला जाएगा, तब यहाँ पर देखिए बकरी और घास बचेगी, तो बकरी जो है वो घास को खा लेगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। आपको इस तरह से यहाँ पर इसको समझाना है कि ये आदमी कैसे इन तीनों को यहाँ पर लेके जाए नदी के इस पार, कि कोई भी एक दूसरे को क्या खाए ना। अगर ये घास को इस साइड लेके चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए शेर और बकरी बचेगी, तो शेर बकरी को क्या करेगा, खा लेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप अपना थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा इस पजल को कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आदमी इन तीनों को एक करके लेके जाए कि कोई भी चीज़ एक दूसरे को क्या खाए ना। इसमें देखिए सबसे पहले ये आदमी क्या करेगा, इस बकरी को लेगा, क्या इस बकरी को लेगा, अब बकरी को यहाँ पर लेके चला जाएगा क्या। अब बकरी जो है नदी के इस पार आ चुकी है, तो यहाँ से हम बकरी को अभी रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, बकरी और आदमी क्या इस साइड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, शेर बचा हुआ है, घास बचा हुआ है नदी के इस पार। अब शेर घास को खाएगा नहीं, क्योंकि शेर घास नहीं खाता है। अब मैं देखिए क्या करेगा, अब ये जो आदमी है फिर से लौट कर क्या नदी के इस पार आएगा। अब ये जो शेर है, ये जो शेर है, अभी देखिए शेर जो है, अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये शेर है और ये क्या है आपका, घास है। अब जब आदमी जो है लौट कर यहाँ पर आया, तो ये जो घास है इसको क्या करेगा, लेते जाएगा, अब यहाँ पर घास को रख देगा। अब ये जो घास, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर घास को रख देगा, अब बकरी को क्या करेगा, लेते आएगा। यहाँ पर फिर से बकरी आ चुकी है, इसे यहाँ पर रफ कर देता हूँ। अब देखिए क्या करेगा, अब यहाँ पर आदमी आ चुका है और बकरी को क्या रख दिया है, तो यहाँ पर आदमी है और क्या है, बकरी है और शेर है। अब यह आदमी जो है इस शेर को क्या, इस साइड लेके जाएगा। अब यहाँ पर शेर आ चुका है और आदमी आ चुका है, क्या, आदमी। अब यहाँ पर मैं शेर को हटा देता हूँ, इस साइड में क्या बचा हुआ है, सिर्फ बकरी बचा हुआ है। अब देखिए शेर जो है वह घास को नहीं खाएगा, इस आदमी के रहते कोई किसी को नहीं खा सकता है, जब आदमी नहीं रहता है तभी क्या खा लेते हैं। अब इस साइड बकरी बची हुई है, अब आदमी क्या करेगा, यहाँ से फिर से लौट के आएगा, और ये जो बकरी बची हुई थी यहाँ पर, इसको उठा के फिर से वापिस लेके चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी को खाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि आदमी के रहते कोई एक दूसरे को नहीं खाएगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ से देखिए शेर भी चला गया, घास भी चली गई और बकरी भी चली गई, और कोई एक दूसरे को क्या खाया भी नहीं। तो इसमें देखिए थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पजल था, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको थोड़ा सोचने का वक्त नहीं दिया, क्योंकि मैं वीडियो में आपको पूरा तरीके से आंसर बताना चाह रहा था, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा कम दिमाग लोग लगा पाते हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में रोक कर सोचे होंगे, समझे होंगे कैसे इसको वहाँ पर लेके जाया जाए, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसे समझ सकते हैं। वैसे अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा विकसित करना चाहते हैं, तो इस तरह से पजल जो है आप, यानी पहेलियाँ आप थोड़ा करते रहा करिए, रीजनिंग करते रहा करिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट पजल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, धन्यवाद।